सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने 3 मिनट में बोलने वालों को इंटेलिजेंट कहा, और ज्यादा बोलने वालों को आप क्या कहेंगे आप बोल दीजिए चेयर पे, तो अच्छा रहेगा। नहीं मैं बोल देता हूँ अभी। तो जो 3 मिनट में बोल देते हैं वो इंटेलिजेंट तो है ही, और जो ज्यादा बोलते हैं ज्ञान क्या होते हैं जो ज्यादा का ज्ञान। सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं पहले ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि मैं इंडिया में नहीं हूँ मगर वतन अजीज का हूँ, और मेरा मामला ऐसा है कि मैं अब लाइन ऑफ एक्शन पर हूँ। भारत की राजनीति में अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन पर है तो मैं हूँ। सर मेरे चंद सवालात हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मोहतरमा वजीर साहबा जब जवाब देंगे इसका जवाब, मेरे सवाल का जवाब देंगे। यूपीए में जीडीपी ग्रोथ था 6.8 एवरेज, नरेंद्र मोदी की सरकार में जीडीपी ग्रोथ हो गया 5.9 एवरेज। इसका जिम्मेदार चीन है या पाकिस्तान है बता दीजिए। फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी सर वो था 4.7 यूपीए के टाइम पर, नरेंद्र मोदी की सरकार में हो गया 5.1 एवरेज। इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ पाकिस्तान है, सही कह रहे हैं आप, मान लिया आपके अकल की तारीफ करता हूँ। सर इन्फ्लेशन है यूपीए के हुकूमत में 8% था, नरेंद्र मोदी की सरकार में 5% है। मगर क्या ये बात सच नहीं है कि जो ग्लोबल तेल की कीमतें थी 2008 से 14 वो एक बैरल $100 के ऊपर बिकता था, अब 2015 से 2021 तक एक बैरल ऑयल $55 से $70 के दरमियान में था। तो ये क्रेडिट आप नहीं ले सकते, ये आपकी मेहनत नहीं है, इसमें एक्सटर्नल रीजंस है। मेरा चौथा सवाल ये है सर कि आखिर आप अगर जीडीपी हमारा 5.9 एनडीए गवर्नमेंट का रहा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? आखिर 2011 से एम्प्लॉयमेंट सर्वे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कराते? डेटा को क्यों छुपाते हैं? आप करवाइए सर्वे, हाँ ला लीजिए एनएसएसओ का ला के दे दीजिए। ये पीएलएफ हुआ था 2018 में, उसके बाद अब क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, ला लीजिए। तो कम से कम एनएसओ को बोलकर ये सर्वे करवा दीजिए। अच्छा कंजम्पशन सर्वे 2017 से रुका हुआ है। सर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो शायद आ जाता, आपकी काबिलियत और आपकी अहमियत वहाँ पर नहीं है, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ। सर दूसरी बात, मेरा चौथा सवाल ये है कि 2005 में डॉलर था 43 रुपीज़ 43 रुपये, 2014 में हुआ 83 रुपये। अब मैं इतने माहिर तो नहीं हूँ इकोनॉमी में, मेरा मोटा मोटा सवाल है, अब डॉलर है 83 रुपये, ये कौन जिम्मेदार है इसका? सर 83 रुपये क्यों हो गया डॉलर? माने नेट इंक्रीज जो है वो 23 रुपये का है, तो अब ये डिमांड इतना डॉलर का क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब शायद मोहतरमा देंगी। अच्छा सर आप देखिए फॉरेन करेंसी रिजर्व बोलते हैं 2011 में बिल्कुल सही है $294 बिलियन था, 2013 तक वो 256 बिलियन हो गया। अब मैं वाइट पेपर आप पढ़ेंगे, न्यू चैनल ओपन बाय आरबीआई, नंबर क्या है भाई, नंबर तो बता दीजिए, न्यू चैनल ओपन बाय आरबीआई नंबर ही नहीं मालूम होता है। अच्छा सर एक और सवाल मेरा है, हेल्थ एक्सपेंडिचर फ्रॉम पॉकेट, ठीक है 2005 में 69% था, 2014 में 64.2 हो गया, तो आपका नंबर क्या है बताइए ना, आपके दौर में क्या नंबर है? वो नंबर नहीं बताया, मेडिकल कॉलेज खोल दिए, नंबर क्या है खर्चे का? तो ये जो वाइट पेपर है एटलीस्ट 2020 का डेटा दे दो आप। ये वाइट पेपर सर मोर रेटरिक है देन सब्सटेंस, डिमोनेटाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे, डिमोनेटाइजेशन तो बर्बाद कर दिया देश के गरीबों को, इसका जिक्र ही नहीं करेंगे, वो तो मास्टर स्ट्रोक था आपका मगर बर्बाद हो गए।